बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, यानी कि जो ऑपरेटर्स हैं किसी एवेल्यूएशन में किस प्रायोरिटी के बेस पर किस ऑर्डर में एवेल्यूएट होंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर हम पढ़ना चाहें तो यहाँ देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एन ऑपरेटर्स प्रेसिडेंस डिटरमिन्स इट्स ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन। ऑर्डर ऑफ एवेल्यूएशन का मतलब क्या है कि इसको एवेल्यूएट करना है किस तरतीब से हम इसको एवेल्यूएट करेंगे, यानी प्रायोरिटी किसको देंगे, कौन पहले एवेल्यूएट होगा ऑपरेटर और कौन बाद में होगा। इन एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर पहले एवेल्यूएट होगा, चाहे वो मैथमेटिकल ऑपरेटर है, चाहे वो रिलेशनल ऑपरेटर है, चाहे वो लॉजिकल ऑपरेटर है, और फाइनली असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इनको हम वन बाय वन देखते हैं और इसकी एग्जांपल मैंने जीडब्ल्यू बेसिक में ख़ास तौर पे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हुई हैं, वो मैं आपको आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। अब यहाँ देखें कि प्रायोरिटी वाइज ब्रैकेट में जो वैल्यूज़ होंगी उनको पहले कैलकुलेट किया जाएगा, उसके बाद ही एक्सपोनेंट वैल्यू है यानी किसी नंबर की कोई पावर होगी उसको पहले उसके बाद किया जाएगा, फिर नेगेशन को किया जाएगा। इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है, ये एक ही उसमें लिखे हुए हैं तो इनको अल्टरनेटिवली कोई भी पहले किया जा सकता है। फिर ये इंटेग्रल डिवीजन है, उसके बाद इंटेग्रल डिवीजन की प्रायोरिटी आएगी, यानी हाईएस्ट टू लोएस्ट प्रायोरिटी यहाँ लिखा हुआ है। उसके बाद मोड को करेंगे, फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। इसी तरह ये कंपैरिजन ऑपरेटर हैं जिन्हें हम रिलेशनल ऑपरेटर भी कहते हैं, इनको इनका नंबर आएगा, यानी सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेटर जो हैं वो एवेल्यूएट होंगे, फिर रिलेशनल ऑपरेटर एवेल्यूएट होंगे, और ये एक ही लाइन में लिखे हैं, इनमें से कोई किसी भी तरतीब से किया जा सकता है। उसके बाद जब रिलेशनल ऑपरेटर एवेल्यूएट हो जाएंगे तो फिर नॉट, लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे टॉप प्रायोरिटी किसकी है, नॉट ऑपरेटर की, उसके बाद एंड ऑपरेटर की, फिर और ऑपरेटर की, और इन द फाइनल बिल्कुल आखिर पे ये असाइनमेंट ऑपरेटर आ जाएगा। यानी जितनी भी एक्सप्रेशन में जो कुछ भी कैलकुलेशन होगी, जो भी रिजल्ट आएगा, वो असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से आप उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर देंगे। तो इसको अब हम देखते हैं, इसी चीज़ को जी डब्ल्यू बेसिक में मैंने एक एग्जांपल ली हुई है, उसमें वन बाई वन डिफरेंट सिचुएशंस को कंडीशंस को रख के मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाया हुआ है, उसको हम देखते हैं ताकि आपकी मज़ीद अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो हम चलते हैं जी डब्ल्यू बेसिक में या पी सी बेसिक में। यहाँ देखें, ये एक प्रोग्राम मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर डिफरेंट सिनारीज़ में डिफरेंट अंदाज में इन एक्सप्रेशंस को, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस को लिखा हुआ है, इनको मैं वन बाय वन आपसे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, अब मैं इसको इस प्रोग्राम को रन करवाता हूँ और इसके हर लाइन पे जो स्टेटमेंट दी हुई है उसका रिजल्ट नीचे आ जाएगा, तो इसको इसके साथ साथ मैं आपको उसका रिजल्ट के साथ आपके साथ डिस्कशन कर लेता हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को रन करवाते हैं। जैसे हम रन करवाएंगे तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पर देखें, इसको मैं दोबारा लिस्ट ले लेता हूँ, इसका पहली वाली जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट आपके पास 4 आ रहा है, पहली वाली जो मैथमेटिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, पहली तीन लाइन अब डिस्प्ले नहीं हो रही, तो इसको मैं आपको दोबारा लिस्ट लेके दिखा देता हूँ। पहली का 4 आ रहा है, उसके बाद -1 आ रहा है, फिर 11 आ रहा है। तो पहले तीनों का हम डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद बाकी का मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इसका देखें, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा जब ये जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, तो इसमें देखें यहाँ पर हमने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में से कोई एक पहले ऑपरेटर कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर हम पहले देखेंगे, अगर हम इसे पहले इसे कैलकुलेट करें, 2/2 रिज़ल्ट आ जाएगा 1, 4/1 रिज़ल्ट आएगा। इसी तरह अगर हम इसको पहले एवेल्यूएट कर लें, 4/2 8, 8/2 तो रिज़ल्ट 4 आ जाएगा। तो दोनों सूरतों में आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 4 ही आएगा। उसके बाद देखें 20 नंबर लाइन पे, प्रिंट -5 + 2 power 2, ये कैरेट साइन हम यूज़ कर रहे हैं, ये पावर के लिए यूज़ हो रहा है। तो हमने देखा था ऑपरेटर प्रेसिडेंस में कि यहाँ पर
इसने पहले कैलकुलेट होना है, ठीक है। तो इसको अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ये पहले कैलकुलेट होगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो इसके साथ ऐड हो जाएगा। अब यहाँ देखें, 2^2 4 हो गया, यानी 2^2 2 × 2 = 4। 4 ये प्लस साइन है लेकिन इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो ये बड़ी वैल्यू है लेकिन वह नेगेटिव में है, लेकिन वैसे इसका नंबर बड़ा है। 5 + 4 रिजल्ट क्या आ जाएगा, -1। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, -1। उसके बाद देखें 30 नंबर लाइन पे स्टेटमेंट क्या दी हुई है। 30 नंबर लाइन पे स्टेटमेंट देखें, अब इस यहाँ की सिचुएशन के मुताबिक सबसे पहले आपकी ये वाली कैलकुलेशन होगी, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर ये वाला काम होगा। तो इसका देखते हैं क्या होगा, 2^3 क्या होगा, 2 × 2 = 2, यानी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ठीक है। 8 इसका रिजल्ट आ जाएगा, 8 इसका रिजल्ट आएगा। 8 को अब आपने मल्टीप्लाई करना है किससे, 2 से, 8 to the 16 में से 5 माइनस कर देने आप, ठीक है। 16 में से 5 माइनस, -11, 16 में से 5 अब अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि प्लस में है और ये माइनस में वैल्यू है, तो रिजल्ट क्या आएगा इसका, -11 रिजल्ट आ जाएगा, जो कि अभी हमने रन में करवाता हूँ। अब आपको इसका क्या रिजल्ट आया था, 4, इसका -1, और इसका क्या रिजल्ट आया आपके पास, 11 रिजल्ट आया। इसको रन करवाते हैं दोबारा, तो देख लें 4, -1 और 11। अब बाकी सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर देखें 40 नंबर लाइन का रिजल्ट ये आपके पास आ रहा है -1, ये कैसे आ रहा है इसको देखते हैं। यहाँ देखें, अब प्रायोरिटी वाइज मल्टीप्लिकेशन पहले होनी है, 2 × 2 = 4, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 4, और ये -5 है, तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, -5 + 4 क्या होता है, अगर हम इसे कैलकुलेट करें, -1 आता है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पर देखें, इसमें हमने देखा था कि ब्रैकेट जो है, आप इसको वापस आके यहाँ देख लेते हैं, ब्रैकेट ने पहले कैलकुलेट होना है, फिर पावर ने कैलकुलेट, एक्सपोनेंट ने कैलकुलेट होना है, ठीक है। तो इसे देखते हैं, तो ब्रैकेट में जो वैल्यूज हैं उन्हें कैलकुलेट होना है। इसमें देखें, 4 + 5 = 9, 9 - 2 कितना आ गया, 7, ठीक है। और अगर हम इस तरह करें, 5 - 2 = 3, 3 + 4 = 7, दोनों सूरतों में 7 आ रहा है, ठीक है। इसका रिजल्ट क्या आ गया, इस ब्रैकेट में जो वैल्यूज दी हुई थी, 7। और उसके बाद इसको कैलकुलेशन होनी है, इसकी कैलकुलेशन होनी है, 2^2 क्या होता है, 2 × 2 = 4, 4 × 7 कितना हो गया, 27। तो इसका रिजल्ट कितना आ रहा है, 27 प्रिंट, क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट 28, यानी 7 × 4 28 आता है, तो 28 यहाँ पर आपका रिजल्ट प्रिंट हो गया। उसके बाद इस सिचुएशन को देखें, इस सिचुएशन में ऑलमोस्ट सारा काम उसी तरह हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक नॉर्मल डिवीजन दी हुई है, तो जिसे इंटीग्रल डिवीजन या नॉर्मल डिवीजन है, तो हम पहले इसको कैलकुलेट करेंगे। इसका रिजल्ट हमें पता है कि ये 7 आता है, ठीक है। 7 और 7 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें, 7 को 4 से 28 आ गया, 28 को 5 पर डिवाइड करें, तो ये हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 5.6, इसका रिजल्ट आ जाएगा 5.6, ठीक है। क्वेश्चन में यह नॉर्मल डिवीजन होगी। इसी तरह अब यहाँ पर देखें आप, 70 नंबर लाइन का रिजल्ट है 5, ये कैसे आएगा। 70 नंबर लाइन पर अगर आप देखें तो इसमें ये, इसका रिजल्ट हमें पता है कि 7 है, ठीक है। लेकिन इसमें देखें, यहाँ हमने इंटेग्रल डिवीजन कराई हुई है, इंटेग्रल डिवीजन की तरतीब यहाँ पर हम देखते हैं क्या दी हुई है। इंटेग्रल डिवीजन को बिल्कुल ये नॉर्मल डिवीजन के बाद होना चाहिए, तो ये बाद में हम, अगर ये इंटेग्रल डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है कि इंटेग्रल डिवीजन आपका जो भी रिजल्ट आता है क्वेश्चन में, उसमें से फ्रैक्शनल पार्ट को अलहदा कर देती है और सिर्फ आपको इंटीग्रल वैल्यू देती है, यानी सिर्फ इंटीजर आपको देता है, होल नंबर आपको दे देती है, इंटीग्रल पार्ट उसमें से वो ख़त्म कर देता है। तो यहाँ पर भी उसने ऐसे ही किया, तो इस तमाम के तमाम का रिजल्ट जो था, ठीक है, जो भी आया था उसको जब आपने 5 पर डिवाइड किया तो आपके पास रिजल्ट तो ये बन रहा था, ठीक है, 5.6, लेकिन क्योंकि ये इंटेग्रल डिवीजन है तो यहाँ से ये फ्रैक्शनल पार्ट उसने ख़त्म किया और यहाँ देखें प्रिंट आपको 5 दिखा दिया। इससे अगले लाइन पर हमने काम किया, 70 नंबर लाइन का रिजल्ट आपको ये नज़र आ रहा है। इसी तरह आगे चलते हैं, 80 नंबर लाइन
पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पर आप ये मोड ऑपरेटर, आपको पता है कि मोड ऑपरेटर या मॉडुलस आपको रिमाइंडर प्रोवाइड करता है किसी भी कैलकुलेशन का, डिवीजन का, ठीक है। तो ये सारी कैलकुलेशन का आपको पता है रिजल्ट क्या है, ठीक है। उस रिजल्ट को 5 पर आप जब डिवाइड करेंगे, इसका हमें पता है कि 50 नंबर लाइन पे जो हमने काम किया था उसका रिजल्ट था 28। तो अब इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 5 को 28 पर डिवाइड करेंगे, 5 5 25, और 28 में से 25 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास 3 बचता है, ठीक है। तो वो हमारा रिमाइंडर होगा। तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, इसका रिजल्ट आना चाहिए 80 नंबर लाइन का 3। तो यहाँ पर उसने 3 दिया हुआ, ये रिमाइंडर है और ये हमारे पास कोशेंट है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, 3 हमारे पास रिमाइंडर में आ रहा है, रिमाइंडर हमारे पास आ रहा है, तो ये रिमाइंडर दे रहा है। उसके बाद 90 नंबर लाइन पे देखें, आल सारी की सारी उसी तरह से मैंने सारा ये एक्सप्रेशन लिखी हुई है। यहाँ पर मैंने प्लस 5 करवा दिया, तो हमने देखा था कि प्लस 5 जो है तरतीब में देखें तो यहाँ पर मोड के बाद होता है, ठीक है। तो यहाँ हम अगर देखें तो प्लस पहले नहीं होना चाहिए बल्कि मोड ऑपरेटर कैलकुलेट होना चाहिए, फिर उसमें जो रिजल्ट आए उसमें जो भी वैल्यू है वो उसमें ऐड होनी चाहिए, एडिशन यहाँ नज़र आ रही है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ तक जो हमने कैलकुलेशन की है उसका रिजल्ट आ रहा है 3, ठीक है। इतनी कैलकुलेशन जो हमने पिछली लाइन में हमने स्टेटमेंट दी थी, उसमें जो रिजल्ट आया उसमें प्लस 1 ऐड हो रहा है, क्योंकि प्रेसिडेंस के मुताबिक पहले इसने कैलकुलेट होना है और उसके बाद फिर एडिशन होनी है। तो रिजल्ट हमारा 3 आया था, 3 में 1 ऐड किया तो रिजल्ट क्या हो गया, 4। तो यहाँ पर भी चौथे नंबर पे जो हमें रिजल्ट नज़र आ रहा है, ये लाइन नंबर 90 का जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ नज़र आ रहा है, फिर 4 इसका ये रिजल्ट आया जब हमने प्रोग्राम का एग्जीक्यूट किया। उसके बाद देखें 100 नंबर लाइन पर, ये दोबारा से इसको डिवीजन को जहाँ हमने उसके साथ दिया हुआ था, इस जगह पर ऊपर हमने इस जो पहली लाइन थी उसमें हमने डिवीजन कराई थी, ब्रैकेट में किया हुआ है। 4 को 2 पर डिवाइड, पहले ये वाला काम होगा, तो 2 इसका आंसर आएगा, 4 × 2, इसका रिजल्ट क्या आ गया, 8 आ गया। उसके बाद यहाँ पर 110 नंबर लाइन पे यहाँ पर प्लस भी दिया हुआ है, माइनस भी दिया हुआ है, तो इसमें से किसी भी तरतीब से आप करें रिजल्ट फिर भी -5 आएगा। पहले मैं इस तरतीब से करके आप देखते हैं, 2 − 1 तो 1 इसका आंसर आ गया, और −6 + 1 क्या होगा, इसका रिजल्ट -5 आता है। अगर हम इसे पहले सॉल्व कर लें तो 6 + 2 इसका रिजल्ट क्या आएगा, −4 − 4 और −1 क्या होता है, जब एक सिंबल हो वैल्यू इसके साथ वो ऐड हो जाती है, −4 और −1 कितना हो जाएगा, −5। तो इस सूरत में भी दोनों सूरतों में अगर हम इस तरतीब से करें या इस तरतीब से करें, दोनों सूरतों में −1 रिजल्ट आता है, क्योंकि यहाँ पर देखें उसने इस प्लस और माइनस को एक ही जगह पर लिखा, उसका मतलब अल्टरनेटिवली किसी को भी पहले कैलकुलेट करवाया जा सकता है, ठीक है। तो हमने सारे वैल्यूज़ को, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स को करके देख लिया, और इसके बाद इनकी करने के बाद ये रिलेशनल ऑपरेटर जो हैं ये वाले, ठीक है, ये वाले कैलकुलेट होंगे, और इनमें भी तरतीब कोई भी हो सकती है। इसके बाद फिर ये लॉजिकल ऑपरेटर कैलकुलेट होंगे, ठीक है। इसमें तरतीब में सबसे पहले नॉट ऑपरेटर होगा, फिर एंड ऑपरेटर होगा, फिर और ऑपरेटर होगा, ठीक है। तो ये तरतीब होगी, और फाइनली मैंने आपको बताया था कि असाइनमेंट ऑपरेटर, जो भी इन सारे प्रोसेस का जितने भी ऑपरेटर में जितनी एक्सप्रेशन में यूज़ हुए हैं, जो भी रिजल्ट आएगा फाइनल एक्सप्रेशन का, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसको असाइन हो जाएगा, किसी वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस समझ आ गई होगी। तो आगे चल के जब आप कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर आपने इस प्रेसिडेंस को आप मद्देनज़र रखते हुए कोई भी फार्मूला या एक्सप्रेशन लिखनी है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो इस टॉपिक को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा टाइप कन्वर्जन। टाइप कन्वर्जन में हम डिस्कस करेंगे क्या हम इस टॉपिक में कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करने वाली हैं, मैं आपको डिटेल में बता दूँगा, ठीक है। इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो क्लिप समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ मिलती रहें। अस्सलामु अलैकुम।